नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। जिला अस्पताल परिसर में मंगलवार की सुबह एक सेल्समैन के साथ चाकू की नोक पर हुई 80,000 रुपए की लूट पुलिस जांच में फर्जी निकली। लूट की यह कहानी खुद सेल्समैन ने अपना कर्ज उतारने के लिए रची थी। डीएसपी सिटी नरेंद्र दायमा ने कहा कि मंगलवार को विवेकानंद नगर निवासी मानवेंद्र सिंह ने शिकायत दी कि वह ITC फर्म में सेल्समैन है। उसने सुबह मिलन टॉकीज रोड से 62,660 रुपए का कलेक्शन किया। उसके पास 20,000 रुपए पहले से थे। सेल्समैन ने यह राशि अपने पास बैग में रख दी। वह बाइक से रवाना होकर MGH के पिछले गेट से होकर उपहार मार्केट की ओर जा रहा था। MGH गेट से अंदर जाने के बाद उसे स्कूटी से आए 3 युवकों ने रोका और बैग छीनने का प्रयास किया। इस पर सेल्समैन ने बैग को कसकर पकड़ लिया। बदमाशों ने चाकू निकालकर सेल्समैन को धमकाया। डर के मारे उसने बैग छोड़ दिया। इसके बाद तीनों बदमाशों नकदी रखा यह बैग छीनकर भाग निकले। पुलिस ने सेल्समैन की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर जांच की। दायमा का कहना है कि जांच करते हुए पुलिस ने जगदीश ट्रेडर से रुपए लेकर आने जाने वाले रूट पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली, कॉल डिटेल का अवलोकन किया, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे कि सेल्समैन के द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि हो सके। ऐसे में पुलिस ने वारदात को संदिग्ध मानते हुए सेल्समैन से पूछताछ की तो उसने यह स्वीकार कर लिया कि उसके साथ लूट नहीं हुई, इसलिए रची लूट की फर्जी कहानी। DSP नरेंद्र दायमा का कहना है कि सेल्समैन मानवेंद्र सिंह ने कबूल किया कि वह पिछले कई महीने से ऑनलाइन गेम्स खेल रहा था जिसमें वह रुपये हार गया था। इसके चलते उस पर कर्ज चढ़ गया था। इसी कर्जे को उतारने के लिए उसने यह झूठी कहानी रची थी। वहीं गठित टीम में थाना प्रभारी मूलचंद वर्मा, SSI अनवर हुसैन, आशीष मिश्रा, ताराचंद, सुनील कुमार, सज्जन सिंह, बीरबल, ओम प्रकाश, राजेश, मणिराम, सुनील व उमेश इस मामले का खुलासा करने वाली टीम में शामिल थे। 19/7/2022 को थाना भीमगंज में मानवेंद्र सिंह सन ऑफ जितेंद्र सिंह राजपूत 22 साल के लड़के ने एक रिपोर्ट दी कि सर मैं जगदीश ट्रेडर्स हैं और 82,000 रुपये मैं लेकर के आ रहा था और रास्ते में एक सफ़ेद स्कूटी वाले ने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे पास जो बैग में रुपये थे वो छीन करके और मेरे मोटरसाइकिल चाबी भी फेंक करके चला गया। तो इस पर अनुसंधान किया गया और एक टीम का गठन हमारे SHO भीमगंज श्री मूलचंद जी के नेतृत्व में गठित की गई और उसकी बातों का सत्यापन किया गया। उन रूट्स पे जो रूट बता रहा था, जिस रूट से आया और जिस रूट पे गया, सभी रूट्स का अवलोकन किया और साइकोलॉजिकली भी उनकी बातों में जो विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे थे उनको भी हमने चेक किया और चेक करने के बाद में ये चीज़ें सामने आई कि ये मानवेंद्र सिंह हैं, वो ऑनलाइन गेम्स का में काफ़ी पैसा गंवा चुका था और कर्ज का बोझ था और वो किसी तरह से वो राशि जुटाना चाह रहा था, इसलिए उसने झूठी रिपोर्ट आकर के पेश करी। तो शुरुआत में ही ये जो घटना है वो उसकी सत्यता में हमें संदेह था, लेकिन टेक्निकली और सर्विलांस पे लेके और कुछ चीज़ों को चेक करके, क्रॉस चेक करके और उनके रूट्स को चेक करके और आइडेंटिफाई किया तो ये घटना वाकई में झूठ ही साबित हुई। हाँ, पैसों की रिकवरी हो गई है और उसके खिलाफ भी हम 182-211 में कार्रवाई करेंगे। आज पंचायत समिति मुख्यालय मांडल में सभी ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी आक्रोश धरने का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा पूर्व में सभी मांगों पर लिखित समझौते के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी संगठन के आह्वान पर धरना व ज्ञापन कार्यक्रम पंचायत समिति मुख्यालय के बाहर आयोजित किया गया। वहीं अध्यक्ष का कहना है कि काली शर्ट पहनकर हम ग्राम विकास अधिकारियों ने विरोध दर्ज कराया है, जिसमें अध्यक्ष राजेंद्र बैरवा, जिला प्रतिनिधि सांवरमल शर्मा, संगठन मंत्री व कोषाध्यक्ष धीरज शर्मा, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, कजोड़ गुज्जर रामपाल सेन सहित लादूलाल जाट, बहादुर सिंह, जाफर मोहम्मद, पंकज सारस्वत, मुकेश गुज्जर, घनश्याम वैष्णव, कन्हैयालाल माली, शिवशंकर भाट, लाभशंकर नागदा सहित सभी ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। मांगे नहीं माने जाने पर 4 अगस्त 2022 से संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार करके अनिश्चितकाल कलमबंद असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। आज हमारे पंचायत समिति मंडल के सारे ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पर वादा खिलाफ आक्रोश आंदोलन के तहत एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से हमारी जो आज की मांगी थी उसको लेकर के हमने पिछले साल प्रशासन गांवों के संग अध्ययन का हमने बहिष्कार किया था। इसके बाद में सरकार से वार्ता होने के बाद में माननीय पंचायती राज मंत्री का हमारे संघ के साथ में जो लिखित समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत हमने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उस समझौते को 9 महीने बीतने के बाद भी सरकार ने अपने लिखित समझौते के अनुसार कोई भी आदेश प्रसारित नहीं किए, इसको लेकर के हमें आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं।
आज का हमारा वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन पूरे राजस्थान में हर ब्लॉक पर धरना दिया जा रहा है। इसके तहत यदि सरकार ने हमारी जो लिखित समझौते के अनुसार जो हमारी मांगों पर निर्णय लेकर के आदेश प्रसारित नहीं किए तो हम 4 तारीख से बिल्कुल असहयोग आंदोलन पर धरने पर बैठेंगे। आप? मैं राजेंद्र कुमार बेहरा, अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ उत्साह मंडल। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के भीलवाड़ा जिले के आवेदकों में से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा तीर्थयात्रियों की चयन किया गया। भीलवाड़ा जिले के निर्धारित कोटा के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा कंप्यूटर पर बटन दबाकर हवाई यात्रा के लिए 70 एवं रेल यात्रा के लिए 632 तीर्थ यात्रा का चयन किया गया है। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त अजमेर संभाग गौरव सोनी, जिला SP आदर्श सिद्धू, ADM सिटी, जिला परिषद CEO, CMHO आदि की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। देवस्थान विभाग द्वारा जो यात्रियों को स्पॉन्सर किया जाता है उसकी ऑनलाइन रैंडमाइजेशन के माध्यम से सूची निकाली गई। इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है इसमें 3 डेमो हुए और उसके बाद फिर फाइनल सूची निकली, जिसमें 70 एप्लीकेंट्स को रैंडमली हवाई यात्रा के लिए और 632 एप्लीकेंट्स को रेल यात्रा के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए सूची निकाली गई। ठीक, आज राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो देवस्थान विभाग के द्वारा संचालित की जाती है उसके तीर्थ यात्रियों के चयन के ऑनलाइन लॉटरी यहां पर निकाली जा रही है भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में। इसमें जो है भीलवाड़ा का जो कोटा है जिसमें 70 जो है हवाई यात्रा के माध्यम से पशुपतिनाथ नेपाल की यात्रा पर जाएंगे तीर्थयात्री और 632 यात्री जो हैं रेलगाड़ियों के द्वारा विभिन्न जो 14 तीर्थ यात्रा स्थल हैं उनकी यात्रा करेंगे, उनका आज चयन लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। इसमें भीलवाड़ा में जो कुल आवेदक यात्री हैं 4372 यात्रियों ने आवेदन किया था जिसमें से इनका चयन किया जाएगा। आपका नाम? गौरव सोनी, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर संभाग। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी चौराहा सांगनेर रोड भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गोशाला सिंद्री के बालाजी भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत, देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वाधान विगत 28 वर्षों से मनाया जा रहा है गणेश महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। विगत 2 वर्ष से कोरोना के चलते गणेश महोत्सव नहीं मनाया गया, लेकिन सांप्रदायिक स्वर से ओतप्रोत महोत्सव इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि समिति द्वारा इंदौर से बुलाए 7 मूर्तिकारों द्वारा 700 छोटी व बड़ी जूट व प्लास्टर ऑफ पैरिस सहित नेचुरल कलर से गणपति की मूर्तियां तैयार करवाई जा रही है। 31 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी के दिन मूर्तियों का वितरण किया जाएगा। समिति के सुभाष अग्रवाल ने बताया कि 1 अगस्त से समिति द्वारा गणपति की मूर्तियों का पंजीयन अपना घर वृद्धाश्रम RC कॉलोनी व्यास भीलवाड़ा में प्रातः 10:30 बजे से 4:30 बजे तक किया जाएगा। गणेश महोत्सव मनाने वाली कोई भी संस्था, मोहल्ला, आयोजन समितियां यहां आकर मूर्ति पंजीयन करा सकेगी। जिले के एक छोटे से गांव बागौर निवासी रिया वैष्णव ने आर्ट कला में विश्व स्तर पर धमाल मचा दिया है। रिया FG फॉर्चून आर्ट गैलरी इंटरनेशनल आर्ट अचीवमेंट अवार्ड 2022 में ऑनलाइन वार्षिक पुरस्कार में भाग लिया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कला स्पर्धा में रिया वैष्णव अव्वल रही। कलाकृति और भावनाओं को उकेर कर प्रदर्शन करने में 28 कलाकारों ने पुरस्कार जीते हैं, जिसमें रिया वैष्णव विश्व में प्रथम रही। रिया वैष्णव ने अपनी कृति चौखट में अपनी भावनाओं और रंगों को खूबसूरती से सम्मिश्रण करते हुए अद्भुत कलाकृति बनाई है।
हैं। रिया की दूसरी रचनाएं भी बहुत खूबसूरत है, पर चौखट स्वर्ण पदक और श्रेष्ठ पुरस्कार के लिए सम्मानीय निर्णायक मंडल द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनी गई है। रिया ने अपनी कला से कैनवास पर जीती जागती घर की चौखट पर जान डाल दी है। खूबसूरती से, रंगों की सुंदरता से रिया की आर्ट का विश्व दीवान हो गया। रिया ने अपनी कला से प्रकृति में जान डाल दी और अपनी भावनाओं को कैनवास में संजोकर मन को प्रफुल्लित कर दिया। अभी रिया महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल उदयपुर में 10वीं की छात्रा है और भविष्य में विश्वविख्यात कला संस्थानों में से एक किसी में अपनी स्नातक और परस्नातक की यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट में अपनी पढ़ाई करना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम रिया वैश्व है। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मुझे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक रहा है। लॉकडाउन के दौरान मुझे और ज़्यादा समय मिल गया तो मैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाई। थैंक्स टू माय मेंटर्स एंड माय पेरेंट्स एंड ऑल माय वेल विशर्स कि मैं आज मतलब यहाँ तक इतना कर पाई हूँ और कोशिश है कि आगे और भी करूँगी। ये मेरा म्यूरल है और ये मेरा सेकेंड म्यूरल है। ये रीसेंट पेंटिंग है एंड ये पेंटिंग मैंने 2019 में बनाई थी एंड वो 2020। भारत विकास परिषद नेताजी सुभाष शाखा द्वारा महिलाओं के लिए महिला जागरूकता प्रकल्प के तहत सावन महोत्सव टिफिन पार्टी भारत विकास परिषद सुभाष शाखा भवन पर रखी गई, जिसमें परिषद परिवार की 35 महिलाओं ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। विभिन्न प्रकार के पारिवारिक गेम खिलाए गए व प्रथम व द्वितीय विजेताओं को पुरस्कृत किया गया एवं सभी ने अंताक्षरी एवं सावन के गीतों का आनंद लिया। कार्यक्रम को सुंदर व व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराने से सह महिला प्रमुख करुणा जी लोहिया, महिला जागरूकता प्रभारी मधु जी व ऋतु जी नानेचा का सहयोग रहा। चमकता जीवन सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र के 12 वर्ष पूरे होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था में नशे से मुक्त होकर सालों से सामान्य जीवन जी रहे हैं और अन्य को भी नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 10 साल से नशे से दूर रहने वाले विजय उपाध्याय, सुरेश शर्मा, रतन सिंह, रोहित चौधरी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था की तरफ से पंचवटी कॉलोनी में संकट मोचन हनुमान मंदिर में आरती की घंटी ढोलक मशीन भेंट की। संस्था समारोह में संस्था अध्यक्ष चेतन पारिक, पवन पारिक, शैलेंद्र व्यास, रजनीश अजमेरा, वैभव पारिक, मनीष बुले, महिपाल राठौर, विजय सांकला, मंच पारिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग के सहायक निर्देशक सत्यपाल जी जांगिड़ थे। कार्यालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग भीलवाड़ा द्वारा जिला मुख्यालय पर 50 बेडेड अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के संचालन हेतु किराए के भवन की उपलब्धता के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान द्वारा उपस्थित गणमान्य अल्पसंख्यक सदस्यों से विभागीय दिशा निर्देशानुसार किराए के भवन के विकल्प पर चर्चा की गई। साथ ही विभागीय योजनाओं के संबंध में कार्यालय की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई, जिसमें मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत चयनित के 3 मदरसे व्यवसायिक एवं शिक्षा ऋण योजना, ऋण माफी योजना, लोक अदालत द्वारा 99 प्रकरणों का निस्तारण, केंद्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मींस अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, काली भाई बील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना व वर्तमान में प्रभावी एक मुश्त ऋण समाधान योजना की प्रगति के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय से सामान्य मंजू पोखरना, हाजी शरीफ पठान, रियाज पठान, मोहम्मद रफीक शेख, गुडविन मसीह आदि गणमान्य सदस्य तथा अल्पसंख्यक कार्यक्रम अधिकारी रवि कुमार रचोया उपस्थित थे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।